हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मैथ विद नूर। टुडे वीडियो इज गोना बी अबाउट इंटरनेशनल सिस्टम। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। इंटरनेशनल सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे मिलियन बिलियन ट्रिलियन होते हैं, और अगर हम इंडियन सिस्टम में बात करें तो उसमें हम क्या लिखते हैं, लाख करोड़ अरब खरब। हमारे क्या चलते हैं, लाख करोड़ अरब खरब चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे 1.23 के 12.3 मिलियन, 1.12 बिलियन। जब हम इनको कहीं पर लिखे हुए देखते हैं तो इन सब का क्या मीनिंग होता है हमारे पास, और ये किसके इक्वल होते हैं। 1000 में जैसे हमारे पास 3 जीरोस होती हैं, बट बहुत बार हम इन 3 जीरोस को ना लिखकर हम क्या करते हैं, के लिख देते हैं, क्योंकि के का मीनिंग है हमारे पास क्या होता है, 1000 होता है। और ऐसे ही हम मिलियन में 6 जीरो होती है, जैसे मिलियन क्या होता है, उसमें हमारी कितनी जीरोस होती हैं, 6 जीरो होती हैं। और बहुत बार हम 6 जीरो को ना लिख के हम क्या करते हैं, एम लिख देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें के की, के का क्या मीनिंग होता है हमारी, उसमें कितनी जीरोस रहती हैं हमारी, 3 जीरोस। और जहाँ भी M लिखा होगा वहाँ कितने जीरोस रहती हैं हमारे, 6 जीरोस। B का मीनिंग क्या है हमारे पास, बिलियन। बिलियन में कितने जीरोस होती हैं, 9 जीरोस। और T का मतलब ट्रिलियन, ट्रिलियन में हमारी कितनी जीरो होती हैं, 12 जीरोस। और ऐसे ही हमारे पास ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है। आपने एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, सबसे पहले हमारा आता है K, फिर मिलियन, फिर बिलियन और फिर ट्रिलियन। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बच्चे ही कंफ्यूज होते हैं कि कितनी जीरोस रहती है हमारी, के में हमारी 3 जीरोस रहती हैं, और फिर 6, फिर 9 और फिर 12। आपको यहाँ अगर आप भूल भी जाओ तब भी आपको याद रहेगा, क्योंकि 3 का टेबल तो सभी को लर्न होता है, 3, 6, 9, 12 हमारे पास ऐसे ही चलते जाते हैं फर्दर। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। तो आज हम सीख लेते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें वन के तो वन के हमारा किसके इक्वल होता है। मैंने क्या बताया अभी आपको, के का मीनिंग क्या है हमारे पास, 3 जीरोस। के साथ कितनी जीरोस चलती हैं, 3 जीरोस। डैट मीन्स वन के कितना हुआ हमारा, 1000। अगर हम बात करें 1.23 के, तो इसका क्या मीनिंग है हमारे पास, क्योंकि हम जब भी इसको लिखे हुए देखते हैं तब हमें इसका मीनिंग समझ नहीं आता। 1.23 के का मीनिंग होता है हमारे पास, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1, 2, 3 जो ये नंबर हैं उनको एज इट इज़ यहाँ उतार लेंगे, और के का मीनिंग हमारे पास क्या होता है, 3 जीरो से होता है। अब आपने क्या देखना है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट। अब आपने क्या करना है, यहाँ लास्ट से 2 जीरोस को रिमूव कर देना, फिर आपके पास क्या बचेगा, 1230। डैट मीन्स 1.23 के का मीनिंग क्या होता है हमारे पास, 1230। अगर हम बात करें 17.7 के, तो इसका क्या मीनिंग होगा हमारे पास, सबसे पहले हमें क्या करना है, 17.7 इसको लिखना है, 177 जो भी नंबर दिए होंगे सबसे पहले उनको लिखना, फिर के का मीनिंग 3 जीरो से है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट, इसलिए आपने क्या करना है, लास्ट से एक जीरो को कट कर देना है। डेसिमल के बाद जितने भी नंबर होंगे हमारे उतने ही जीरो हमने क्या करनी है, लास्ट से कट कर देनी है। डैट मीन 17.7 के जब भी कहीं भी लिखा हो तो उसका मीनिंग क्या होगा हमारे पास, 17700 इसका क्या होगा, मीनिंग होगा। अगर हम बात करें 100 के की, अगर हम बात करें 100 के का क्या मीनिंग होता है हमारे पास, 100, और के साथ क्या होती है, 3 जीरोस लगानी होती है हमें, और इसको हम क्या बोलते हैं इंडियन सिस्टम में, 1 लाख। इंटरनेशनल सिस्टम में हम क्या बोलते हैं, 100 के, और इंडियन सिस्टम में हम क्या बोलते हैं, 1 लाख। ऐसे ही अगर हम बात करें 1 मिलियन की, अगर हम बात करें 1 मिलियन, मिलियन में कितनी जीरोस रहती हैं हमारे, 6। आपने क्या करना है, 1 के साथ 6 जीरो लगा देनी है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, 10 लाख। इंटरनेशनल सिस्टम में 1 मिलियन होता है, इंडियन सिस्टम में 10 लाख होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें 1.34 मिलियन, ये किसके इक्वल रहता है हमारा, आपने क्या करना है, जो भी नंबर दिए हैं सबसे पहले उनको लिखना है, और फिर मिलियन का मीनिंग किससे है, 6 जीरो से। एम का मीनिंग क्या है हमारा, 6 जीरो।
60 लिखनी है। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है इसलिए 20 को कैंसिल कर देना है, आपको क्या मिलेगा 134000। ठीक है, इसका क्या मीनिंग हुआ हमारे पास 13,40,000। अगर हम बात करें कहीं हम ऐसे लिखे हुए पढ़ते हैं 12.3 मिलियन, इसका क्या मीनिंग होता है हमारे पास, हमें क्या करना है 1, 2, 3 जो भी नंबर दिए सबसे पहले उनको नोट डाउन करना है, और 5 फिर क्या हमारे पास M का मीनिंग क्या होता है 60 से 60 लिखनी है, उसके बाद डेसिमल के बाद 1 डिजिट है इसलिए उसको क्या करना है लास्ट से 10 को कैंसिल कर देना है 1, 2, 3, 3, 4, 5। इसका क्या मीनिंग हुआ हमारे पास 1,23,00,000। ऐसे ही हमारे पास क्या होगा चलता जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। अगर हम बात करें 10 मिलियन की और 100 मिलियन की, 10 मिलियन में क्या होगा एम के साथ आपने क्या करना है 60 लगानी है 3, 4, 5, 6। 100 मिलियन में ऐसे ही आपने क्या करना है 100 लिख के एम एस के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरोस लगानी है। इंटरनेशनल सिस्टम में 10 मिलियन होता है, इंडियन सिस्टम में हम इसको क्या बोलते हैं 1 करोड़। 100 मिलियन होता है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में, इंडियन सिस्टम में हम इसको क्या बोलते हैं 10 करोड़। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। अब अगर हम बात करें 1 बिलियन, कहीं पर लिखा हो हमारा 1 बिलियन, ठीक है, उसका क्या मीनिंग होगा 1 और बिलियन में कितनी जीरोस रहती है 9 जीरोस 3, 6, 9। ठीक है, और इसका क्या मीनिंग होता है हमारे पास 1 अरब के इक्वल होता है हमारा 1 बिलियन। इंटरनेशनल सिस्टम में हम बिलियन बोलते हैं, इंडियन सिस्टम में हम क्या बोलते हैं अरब बोलते हैं, या फिर हम इसको बोल देते हैं 100 करोड़। अगर हम बात करें 1.12 बिलियन की, तो ये किसके इक्वल होता है हमारा 1.12 बिलियन। सबसे पहले हमें क्या करना है जो नंबर दिया उनको नोट डाउन करना है। ठीक है, बिलियन का मीनिंग किससे है 90 से 3, 6, 9। और अब हमें क्या करना है डेसिमल के बाद 2 डिजिट है इसलिए यहाँ से क्या करना है 20 को कैंसिल करना है, और फिर जो भी बचेगा हमारा क्या बचा है 11230 और फिर 30 और फिर हमारा क्या बचा है 10। डैट मीन्स का मीनिंग क्या हो हमारे पास 1 अरब 12 करोड़। अगर हम ऐसे ही बात करें 10 बिलियन की, ठीक है, आप उसको क्या करोगे सोल्व कर लोगे, आपको पता ही चल गया होगा ये कैसे होता है हमारे पास। अगर हम बात करें 1 ट्रिलियन की, हम बात करें 1 ट्रिलियन की, तो ये 1 ट्रिलियन हमारा किसके इक्वल होता है 1 ट्रिलियन हमारा टी के साथ कितनी जीरो चलती हैं 12, 3, 6, 9, 12। 1 ट्रिलियन हमारा किसके इक्वल होता है 10 खरब के। इंडियन सिस्टम में हम क्या बोलते हैं 10 खरब, इंटरनेशनल सिस्टम में हम बोलते हैं 1 ट्रिलियन। अगर हम बात करें 1.53 टी की, तो 1.53 टी हमारा किसके इक्वल होता है 1, 5, 3। सबसे पहले ये लिखना है हमें, फिर उसके बाद डेसिमल, फिर ट्रिलियन का मीनिंग क्या 12 जीरो से 3, 6, 9, 12 और फिर डेसिमल के बाद 53, डेट में 2 डिजिट नंबर है इसलिए 20 को क्या करेंगे कैंसिल करेंगे 1, 5, 3, 3, 6, 9 और 10, 10 जीरोस लिख देंगे 6, 9 और 10। 10 जीरोस हमने लिख दी, इसका क्या मीनिंग हुआ हमारे पास 15 खरब 30 अरब। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। तो ऐसे होते हैं हमारे इंटरनेशनल सिस्टम और ये होते हैं हमारे इंडियन सिस्टम। I hope you liked the video. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thanks for the watching.